हेलो फ्रेंड्स, टीम यस वी कैन की ओर से आप सभी दोस्तों को अपने इस दोस्त का प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों, हम लोग करते हैं अपने सेशंस का और बढ़ते हैं अपने किस सेशन की तरफ, हम आपको बताते हैं। यस, बैंकिंग अवेयरनेस क्विज सेशन की ओर। तो चलिए लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ सवाल और उनके जवाब जल्दी से। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस प्रकार की बैंकिंग प्रणाली में बैंक और उनके ग्राहकों के बीच पैसे के लेन देन का कार्य होता है? सही जवाब है रिटेल बैंकिंग। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फिजिकल सिक्योरिटी शेयर्स के बदले किसी भी व्यक्ति को अधिकतम कितना लोन मिल सकता है? सही जवाब है 10 लाख रुपए तक का लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक जब ब्याज की दरों को कम करके मूल्यों पर नियंत्रण रखता है और इस प्रकार पैसे की सप्लाई को नियंत्रित करके देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करता है, तो इस कार्य को क्या कहा जाता है? सही जवाब है मॉनिटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्यातक को जो लोन दिया जाता है उसे निर्यातक क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। आपको बताना ये है कि ऐसे क्रेडिट के डिफॉल्ट के मामले में किसके द्वारा गारंटी दी जाती है? सही जवाब है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की वित्तीय प्रणाली को निम्न में से किस संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सही जवाब है क्रिसल। देखिए, कई सारी संस्थाएं हैं जो कि वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करती है। क्रिसल क्या करती है? वो रेटिंग करती है। ठीक है, देखिए, बैंकिंग के क्षेत्र में तो ये करती है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो बीमा है, इंश्योरेंस, उसके क्षेत्र में करती है एडाई। सिक्योरिटी एंड शेयर्स, उसके जो क्षेत्र हैं उनमें करती है आपकी सेबी। कैपिटल मार्केट में भी सेबी ही करती है। और जो पेंशन फंड ये सब होते हैं उनके फील्ड में कौन नियंत्रण करता है? PFRDA ये नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। ठीक उसी तरह क्रिसल जो है वो रेटिंग एजेंसी है जो रेट करती है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम किस बैंक द्वारा लॉन्च की गई है? सही जवाब है ICICI बैंक। नेक्स्ट, IDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है मणिपाल, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संबंध किस देश से है? सही जवाब है चीन। नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कितने रुपए तक के डिपॉजिट के लिए निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने 50 बेसिस पॉइंट तक ब्याज दर को कम करके 3.5% कर दिया है? सही जवाब है 50 लाख रुपए तक के डिपॉजिट के लिए। तो दोस्तों, इसी सवाल और इसके जवाब के साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस का ये क्विज सेशन यहीं पर होता है खत्म। लेकिन फ्रेंड्स, ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्या? नहीं ना। हम आप सभी के से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे फ्रेंड्स कि इस रिकॉर्डिंग को आप खूब एंजॉय कीजिएगा। और साथ ही एक और रिक्वेस्ट कि आप इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत को करते हैं दिल से सलाम। और एक बार फिर आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।